और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा एमएलसी आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट सामने आ गया है। रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, ये कह रखे हैं आरके वर्मा। चौपाइयों से पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान, इन चौपाइयों को आरके वर्मा ने हटाने की भी मांग कर दी है। तुलसीदास को भी छात्रों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग करी है। ये ट्वीट किया गया है आरके वर्मा की तरफ से आपके टीवी स्क्रीन पर। आरके वर्मा ने ट्वीट कर क्या लिखा ये भी जरा आपको हम अब दिखा देते हैं। तो उन्होंने पहले तो ट्वीट किया रामचरितमानस को लेकर विवाद जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं रामचरितमानस पर, और अब सामने आया है आरके वर्मा का ट्वीट। उन्होंने लिखा कि तुलसीदास विधवा, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थी, जिनकी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां जो संविधान विरोधी है उससे आज का पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज बेहद ही आहत है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। है और इसे हटा देना चाहिए, तुलसीदास के पाठ्यक्रम जो भी है उसे भी हटाना चाहिए। तो आर के वर्मा ने रामचरितमानस पर क्या लिखा वो आपको हम बता देते हैं। तुलसीदास भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित थे, ये आर के वर्मा ने अपने ट्विटर पर लिखा है। ऊंच नीच छुआछूत मानसिकता से ग्रसित कवि थे वो। गैर बराबरी की बात भी उन्होंने कही है, गैर बराबरी की मानसिकता से भी ग्रसित कवि थे तुलसीदास, ये कहा है आर के वर्मा ने। रामचरित की कुछ चौपाइयां संविधान विरोधी, चौपाइयों से पिछड़ा और अनुसूचित समाज अपमानित हुआ है, चौपाइयों से महिला संत समाज अपमानित, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है अपने ट्विटर हैंडल पर आरके वर्मा की तरफ से। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान जिससे कि विवाद अभी तक थमा नहीं है, लेकिन इन सबके बीच आरके वर्मा ने भी रामचरितमानस को लेकर इस तरीके से ट्वीट कर दिया है। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, रामचरितमानस लग रहा है मानो उत्तर प्रदेश की सियासत में केंद्र में बना हुआ है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब आरके वर्मा, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है रामचरितमानस को लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से सोनिका, इस समय अगर देखें तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से सियासी विवाद खड़ा हुआ है, शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। उस समय ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जब अपना स्टैंड लेगी, यानी अखिलेश यादव जब अपना स्टैंड लेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट होगा, यानी वो सहमति नहीं जताएंगे। पार्टी के जो विधायक थे, वरिष्ठ नेता थे, वो भी ये मान रहे थे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही सामने आती है जब पहली बारिश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत करते स्वामी प्रसाद मौर्य से, और वहाँ से अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं अपने बयान पर कायम है। इसके बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं, यानी एक प्रमोशन, और इसके बाद लगातार ये सियासत जो रंग ले रही है सबके सामने, दो धड़ों में सपा भी देखिए बढ़ चुकी है और समाज में अगर बात करें तो भी एक पक्ष है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बोली थी उस तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के आप बयान देख लीजिए। बहरहाल इस पूरे मामले में अगर बात करें बसपा के रोल की, तो बसपा इस पूरे मामले में सपा और भाजपा दोनों को घेरने में लगी है। मायावती ने साफ करा कि इस बार अगर जो आगामी चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं दोनों दल जो हैं वो जो पोलराइजेशन कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम उन्माद के नाम पर कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, यानी पोलराइजेशन हो रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये बसपा ने आरोप लगाया है। बसपा इस पूरी फाइट के बीच में कैसे सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इस जुगत में लगी हुई है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी की अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पिछड़ों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश दिख रही है। लेकिन जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतिया जलाने का मामला चाहे सामने आए, इस पूरे मामले में FIR दर्ज होने का मामला सामने आए, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार अपनी बात पर अडिग है, पार्टी के तमाम नेता उनके अगेंस्ट है, लेकिन अब कुछ लोग जो है उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं वो साथ में उनके नजर आ रहे हैं, तो एक अलग ही तरह का सियासी माहौल देखिए आगे बनता हुआ दिख रहा है। और कौन सा राजनीतिक दल इस सियासी माहौल में कितना फायदा ले पाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ, इस तरह का नजारा जो है पहले देखने को नहीं मिला, एक अलग ही तरह की राजनीति इस पर देखने को मिल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर सपा पर हमलावर है, और अपने
अगर आप जो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची देखें तो उसमें भी जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सवर्णों का ना होना, इन चीजों को लेकर जो सपा के बयान आ रहे, अखिलेश यादव का जो शूद्र वाला बयान आया था जब वो एक महायज्ञ में शामिल होने जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनका विरोध होता है, तो उसके बाद भाजपा भी इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ जहाँ सपा को घेर रही है, तो वही बसपा के बाद एक नेता सामने आते जा रहे हैं रामचरितमानस पर लगातार विवादित बयान। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।